अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी, जो कि हम पाकिस्तानी स्पाइसी स्टाइल में बनाएंगे। बनाने लगे हैं, पहली दफ़ा देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ सीन होता है। ये देखें, मरतबा है लेकिन मैंने पहले बनाई। ये देखें, ये हमारे जो दूसरे पार्टनर हैं खरदोगलू, ज़रा वो उसने बर्तन ही नहीं धोए अभी तक। चाहते पहले यहाँ आप कढ़ाई में आए लें, उसमें तेल डाल दो, उसको हल्का सा ब्राउन करें और उसके बाद उसमें चिकन डाल दो। ये देखिए, हमने चिकन डाला था, चिकन को आपने थोड़ी देर रखना है, उसका डाल दिए जो जाए। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देने हैं। ये देखिए आप, बीच में गए टमाटर। यहाँ पे आप इसके टमाटर हमारे गल चुके हैं, तो इसके अंदर हमने मसाले डाले, गर्म मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ये इसके अंदर हमने डाला, जीरा और काली मिर्च और खुशक धनिया। उसको सही अच्छी तरह हमने बनाया, रेडी किया मसाले को। अब इसके अंदर जाएंगे, इसके बाद सब्जियां, सब्जियां जो जो आपको पसंद है वो डाल दें। शिमला मिर्च होगी, गाजर होगी, आलू हो गए, ये चीज़ें। यह वो हमारा शुरू हो गया। हमने इसमें पानी इसलिए डाला क्योंकि हमने आलू और गाजर डाल रहे हैं, बॉयल नहीं किया। आलू और गाजर ये बॉयल नहीं हो गए, तो ये उसका नाम क्या है, पानी में बॉयल हो जाएंगे और पक जाएंगे, इस वजह से हमने इसमें पानी डाला। और ये दूसरी तरफ हमने मैक्रोनी के लिए पानी डाल दिया गर्म करने, इसमें नमक डालेंगे और मैक्रोनी को फिर बॉयल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप तक। ऐसे हम आपको बताना भूल ही गए, इसके अंदर सिरका जाएगा 1/2 टेबल स्पून और सोया सॉस और चिली सॉस, ये हम आपको बताना भूल ही गए, वो इसके अंदर हमने डाल दिया होगा। तो ये आप इसको, उसका नाम क्या हम कहेंगे सही तरह। तो गाइस ये देखें, हमारी मैक्रोनी तकरीबन रेडी होने के करीब है। ये हमारी ग्रेवी, ये थोड़ा सा भी इसको पकाना रहता है। ये देखें, मैंने जादू किया, चुटकी बजाई, तो सारे बर्तन धोल के साइड पर हो गए। गाइस ये देखें, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार होगी। अब हम इसको इसमें डालेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए, और ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये मज़ीद कुकिंग प्रोसेस इसका ना हो सके, ये उधर ही रुक जाए, वरना ये और ज़्यादा गलने शुरू हो जाएगी और गाल गाल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये हमने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा दम पर आप 2-3 मिनट लगा के छोड़ दें, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की शान है। देखें वो हमें कैसे कैसे खाने के लिए देता है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए जिसने ये जाम बनाया, हमारे डॉक्टर साहब को बनाया ताकि वो हमारे लिए खाने बना सकें। गाइस ये देखें, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी आप लोग देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं। बस हम इसको अब 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, तो हमारी मैक्रोनी सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त, देखते रहिए वाइट लाइन ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। गाइस ये आ गई हमारी मैक्रोनी, ये देखें, हम आपको खा के बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, स्पेशली अयाज के लिए। हाँ जी, जाओ बहुत अच्छी बनी।